वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का अनूपपुर, इसी शहर के कोतमा नगर में 25 साल के एक लड़के की शहडोल मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले लड़के ने वीडियो बनाया और इस वीडियो में क्लिनिक के डॉक्टर का काला चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मरीज बता रहा है कि कोरोना के सभी लक्षण थे, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर टाइफाइड बताकर भ्रम में रखता रहा और 10 दिन तक अपने पास लिटाकर रखा। लेकिन जब हालत बिगड़ी और टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। हेलो भाइयों, मैं लकी द्विवेदी, पुरानी बस्ती कोतमा, वार्ड नंबर 5। मेरा हालत आज इतना ख़राब है कि मैं अपने पैर में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज शहडोल में भर्ती हूँ और वेंटिलेटर में हूँ। मेरा इस हालत के लिए मेरा डॉक्टर अशोक राजपूत है। डॉक्टर अशोक राजपूत के पास मैं गया, मुझे मेरी माँ, मेरा ड्राइवर चूचू महाराज ले के गया, मेरे मामा ले के गए हैं। वो मुझे बोला कि तुम कोरोना टेस्ट मत करो। मेरी माँ बोली नहीं करा लेते हैं। बोले माता जी, आपके लड़के को कुछ नहीं है, सिर्फ कड़ाई खाई है हैं। फिर वो मुझे अपना दवाई चालू कर दिया, उन्होंने 3,000 रुपये लिया, 10 दिन अपना दवाई खिलाया। बोला कि नारियल पानी दो हैं, सिर्फ नारियल पानी। जबकि मेडिकल कॉलेज में शायद बोलते हैं कि कोरोना पेशेंट को नारियल पानी नहीं देना है। फिर मेरे मामा जी बात को नहीं माने, 10 दिन बाद मेरा कोरोना टेस्ट करवाया तो मैं कोरोना पॉजिटिव निकल गया। और उसके वजह से मेरा हालत इतना ख़राब हो गया कि मैं बिना ऑक्सीजन के रहता, तो मतलब बिना ऑक्सीजन के कोतमा से शहडोल आता हूँ तो मेरी जान चली जाती। और मेरा पूरा हालत का जिम्मेदार डॉक्टर अशोक राजपूत है। मेरी माँ इतने दिन ज़बरदस्ती की कोरोना टेस्ट करवा देते सर, मगर उसने एक भी नहीं माना और ज़बरदस्ती कहा, बोला कोरोना टेस्ट मत करवाओ, कुछ भी नहीं है, आपका लड़का एकदम ठीक है। माँ से निवेदन करते हैं कि ऐसे डॉक्टर बहन से मार जाए जो कि आपके जान को जोखिम में डाल दे। भाइयों देखिए, आज मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा हालत इतना खराब है। जब इस लड़के की मौत हो गई तो उसका वीडियो वायरल होने लगा। इसके बाद पुलिस भी सतर्क हो गई। पुलिस ने डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा और क्लिनिक को सील कर दिया है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।